साल 2023 में अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बैड बॉय के साथ बॉलीवुड में अपने डेब्यू करने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती, इनकी फिल्म बैड बॉय बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ कमाई नहीं कर पाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं और आते इस बार कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ते हुए बॉलीवुड के बड़े स्टारों में अपनी जगह बनाने वाले हैं। तो अगर आप भी इनके बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले नमासी चक्रवर्ती की अगली फिल्म के बारे में कि फिल्म का बजट कितना होने वाला है, यह फिल्म कब तक सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली, जिसकी की जानकारी खुद नमासी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से दिए। जी, इन्होंने अपने बर्थडे के मौके पर इनके फैंस को काफी बड़ा तोहफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि ये अब डायरेक्शन में अपने डेब्यू करने वाले हैं। जी, इनकी पहली फिल्म आने वाली जिसमें ये डायरेक्शन करने वाले हैं और खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी नजर आने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि फिल्म के लीड रोल में हमें एक्टर दिशानी चक्रवर्ती भी दिखाई देने वाली है और बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट भी काफी अच्छा खासा होने वाला है। जी, फिल्म का बजट लगभग 10 से 15 करोड़ के आसपास हो सकता है और ये एक ऐसी पहली फिल्म होने वाली जिसको कि नमासी चक्रवर्ती अपना डायरेक्शन देने वाले हैं और खुद ही फिल्म के लीड रोल में काफी जबरदस्त एक्टिंग करते हुए भी नजर आने वाले हैं। अगर बात करें फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म हमें 2025 में सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती, क्योंकि फिल्म की शूटिंग काफी जल्दी शुरू होने वाली है और बताया जा रहा है कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में अगर बात करें नमासी चक्रवर्ती की कुछ और फिल्मों के बारे में तो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी कई एक से बढ़कर एक फिल्में हमें देखने को मिलने वाली है और इसके पहले ये एक से दो शॉर्ट फिल्में भी बना चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है और आप सभी को क्या लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या अच्छी कमाई कर सकती है और एक सुपरहिट फिल्म बन पाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।